भाकपा माओवादी संगठन के सक्रिय नक्सली 27 वर्षीय गंगा प्रसाद राय ने झारखंड सरकार की नई दिशा कार्यक्रम के तहत आज SSB और झारखंड पुलिस के आलाधिकारियों के सामने DC राइफल के साथ आत्मसमर्पण किया। वहीं नक्सली गंगा प्रसाद राय को अनुदान स्वरूप 1,00,000 रुपए का चेक भी सौंपा गया है। बता दें कि गंगा राय साल 2014 से 2021 तक दुमका सहित पूरे संथाल परगना प्रमंडल में सक्रिय रहा था। वहीं नक्सली गंगा राय के खिलाफ दुमका जिले के कई थानों में केस दर्ज है, जिसमें 2016 में विस्फोट पदार्थ छुपाने तथा लेवी मामले में जानलेवा हमला करने और साल 2014 से 2021 तक कई नक्सली वारदात में शामिल रहने का आरोप भी है। जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा लगातार अपील की जा रही है कि सरकार के पॉलिसी के तहत नक्सली आत्मसमर्पण करे, नहीं तो उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं पुलिस के लिए हार्डकोर नक्सली का आत्मसमर्पण करना एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। छुप के जो जिंदगी करना मुश्किल है, उससे अच्छा है झारखंड गवर्नमेंट का जो है सरेंडर पॉलिसी बहुत सुंदर है, उसका फायदा उठाया जाए और जिंदगी जो है एक अच्छे नागरिक के तौर पर जो है बिताया जाए। जिसके लिए जो ऐसा सोच पॉजिटिव सोच रखता है, जिस दिन सवेरे हुआ उसी दिन जिंदगी शुरू हो, उसके लिए पूरा जो है अपॉर्चुनिटी और मौका दिया जा रहा है। आपने देखा है अभी उसमें से ये गगन प्रसाद भी एक है, 27 साल का युवा है, तो ये बड़ी खुशी की बात है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, लोकल पुलिस के लिए और SSB के लिए, CRPF के लिए, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन जो इसकी तरफ काम कर रहा है, हमारे लिए बहुत अच्छा है। और इससे जो है जो युवा अभी भी फंसे हुए नक्सल के जंगल में उनको प्रेरणा मिलेगा, वो आगे आएंगे, सरेंडर करेंगे। इस अवसर पर सभी ऐसे लोगों से मेरी अपील है कि मुख्य धारा में वापस लौटना है और समर्पण करके सरकार तथा जिला प्रशासन के साथ सहयोग करें और जो भी सरकार की योजनाएं हैं जिसके माध्यम से उनकी सहायता की जा सकती है तथा पुनर्वास में सहायता की जा सकती है, उसको ससमय और तत्परता के साथ लागू करने की दिशा में पूर्ण कार्रवाई सुनिश्चित की है। जीवन बीमा 5,00,000 रुपये का जो आत्मनिर्भर करते हैं उसे के दिया जाता है। परिवार के समूह जीवन बीमा 1,00,000 रुपये का जीवन बीमा किया जाता है। प्री बार्गेनिंग विकल्प होगा, प्री बार्गेनिंग विकल्प जो कि अपने ये इसके लिए केसेस के लिए जो है, अगर इसमें हम लोग बनाते हैं तो प्री बार्गेनिंग जो होता है वो कोर्ट के आदेश है। खुले जेल में रहेंगे हजारीबाग में से पुनर्वास केंद्र जो उसे बनाया गया, और DC के द्वारा यहाँ पर लोक अभियोजक पुलिस अधीक्षक कार्पोरेट अंडर एक समिति बनाकर खास तौर पर जो नक्सली होते हैं उसके बीच जो कांड दर्ज है उसके संबंध में समीक्षा की जाएगी और समीक्षा के बाद जो भी एक समिति का जो निर्णय होगा उसके अनुसार कार्रवाई। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।